हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में बात करेंगे अपन IIFL सिक्योरिटीज़ के डेस्कटॉप वर्जन के बारे में कि अगर कोई मोबाइल से ट्रेड ना करके लैपटॉप से ट्रेड करना चाहता है या फिर PC से ट्रेड करना चाहता है तो कैसे करना है आपके लिए, क्योंकि IIFL सिक्योरिटीज़ के मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर तो मैं काफ़ी सारी वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी, और आप लोगों के काफ़ी सारे कमेंट भी आ रहे थे कि डेस्कटॉप वर्जन के ऊपर वीडियो बनाई, उसके बारे में बताइए कैसे ट्रेड करना होता है। तो आज की वीडियो में अपन यही करेंगे, IIFL सिक्योरिटीज़ का जो डेस्कटॉप वर्जन है जिसका नाम है ट्रेडर टर्मिनल, जिसको अपन गूगल पर लॉगिन कर सकते हैं। गूगल पर लॉगिन करने के लिए आपको जस्ट टाइप करना है IIFL वेब लॉगिन। तो फर्स्ट नंबर की जो वेबसाइट आती है इस वेबसाइट पर आपको क्लिक करना है। तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आपके सामने आएगा, जहां पर आपको अपनी क्लाइंट आईडी डालनी है और पासवर्ड डालना है। अगर पासवर्ड आपको याद नहीं है तो फॉरवर्ड पासवर्ड करके अपना पासवर्ड आप रीसेट कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद कुछ इस प्रकार से इंटरफेस अपने सामने आता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि काफ़ी सारे फीचर्स दिखाई दे रहे हैं। जनरली अगर किसी और कंपनी से कंपेयर किया जाए, किसी और ब्रोकरेज फर्म से कंपेयर किया जाए, तो IIFL सिक्योरिटीज़ के डेस्कटॉप वर्जन के अंदर ज़्यादा फीचर्स होते हैं। और अगर मैं सभी फीचर्स को एक एक करके डिटेल में समझाऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं सभी फीचर्स को नहीं बताऊंगा, जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो अपने डेली यूज़ में आने वाले हैं, ठीक है, जो अपने काम आने वाले उन चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगा मैं। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है ट्रेडिंग। तो सबसे पहले मैं आपको ट्रेडिंग करना बताता हूँ कि ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं, देन उसके बाद आपको बाकी और फीचर्स के बारे में बताता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये डिफॉल्ट का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, मतलब अभी जो वॉचलिस्ट अपने सामने दी हुई है ना, ये डिफॉल्ट वॉचलिस्ट है। अगर आपको कोई और अपनी वॉचलिस्ट यहाँ पर बनानी है, ठीक है, कोई और वॉचलिस्ट आपको सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 ये वॉचलिस्ट दी हुई है ना, तो यहाँ पर अपने हिसाब से आप स्टॉक उनमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए निफ्टी भी दिया हुआ है, मतलब निफ्टी की वॉचलिस्ट दी हुई है कि निफ्टी के जो 50 शेयर है वो आ जाएंगे आपके सामने। बैंक निफ्टी पर क्लिक करेंगे, बैंक निफ्टी आ जाएंगे, सेंसेक्स है, ठीक है, मतलब ये जो पॉपुलर है जिनके बारे में लोग ज़्यादा बात करते हैं उन इंडाइसेस के आपको पर्टिकुलर स्क्रिप्ट आपको देखने को मिल जाएगी। और अगर मान लो आपको किसी स्टॉक को आपको ऐड करना है वॉचलिस्ट में तो क्या करना है, जस्ट यहाँ पर देखिए ऐड स्क्रिप्ट का जो ऑप्शन आ रहा है तो यहाँ पर आपको टाइप करना है। मान लीजिए मैं यहाँ पर टाटा मोटर को ऐड करता हूँ, देखिए टाटा मोटर को मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है, यहाँ पर देखिए जो कैश का ऑप्शन आ रहा है ना, इस कैश पर आपको क्लिक कर लेना है क्योंकि टाटा मोटर को कैश में अपन ऐड करना चाहते हैं पहले, ठीक है। तो इसके बाद ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर ऐड का, तो ऐड किया अपन, देखिए टाटा मोटर यहाँ पर ऐड होके आ चुका है जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। अब मान लो किसी स्टॉक को आपको फ्यूचर में ऐड करना है, सपोज कि जैसे कि अपन ले लेते हैं बजाज को, ले लेते हैं बजाज फाइनेंस को ले लेते हैं। अब इसको आपको फ्यूचर में ऐड करना, कैश में ऐड नहीं करना, फ्यूचर में ट्रेड करना चाह रहे हैं तो जस्ट देखिए उस कैश के नीचे फ्यूचर लिखा हुआ है ना, फ्यूचर पर आपको क्लिक करना है। फ्यूचर पर क्लिक करके आप इसको फ्यूचर में ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर फ्यूचर पर सेलेक्ट करना है, ठीक है, फिर यहाँ पर आपको टाइप करना है। तो देखिए बजाज फाइनेंसर का आ गया, और अगर आपको बजाज फाइनेंस लेना है तो बजाज फाइनेंस के लिए थोड़ा दूसरे तरीके से टाइप करना पड़ता है। देखिए ये बजाज फाइनेंस का आ गया है, तो बजाज फाइनेंस का जो भी एक्सपायरी, जिस भी एक्सपायरी को अपन को ऐड करने से 29 दिसंबर की भी लेटेस्ट एक्सपायरी है, तो इसको मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ से इसको ऐड कर लेता हूँ। तो देखिए फ्यूचर का जो बजाज फाइनेंस है वो अपने यहाँ पर ऐड हो चुका है। अब मान लीजिए मुझे कॉल या पुट को ऐड करना है, जैसे स्ट्राइक प्राइस को, मान लो बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी को मुझे कॉल ऑप्शन ऐड करना है। बैंक निफ्टी का रेट अभी अराउंड 43,000 के समथिंग चल रहा है, मान लीजिए मुझे 43,500 कॉल ऑप्शन ऐड करना है, तो क्या करूँगा, यहाँ पर सबसे पहले टाइप करूँगा मैं यहाँ पर बैंक निफ्टी, ठीक है, देन उसका देखिए जो कैश फ्यूचर ऑप्शन लिखा हुआ है ना, ऑप्शन पर अपन को क्लिक करना है, देन इस पर अपन क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। तो जो भी एक्सपायरी है अपन को एक्सपायरी सेलेक्ट करनी, कॉल या पुट क्या लेना है वो सेलेक्ट करना है, 43,500 को लेना है, तो यहाँ पर 43,500 अपन को टाइप कर देना है, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा, देन इसको अपन ऐड करेंगे। तो देखिए आ गया, यहाँ पर इसका रेट कितना दिख रहा है, 85 रुपीज़ इसका रेट दिख रहा है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर जो ए वाली लाइन है, ठीक है, ये अपन को शेयर का करंट रेट बताती है, क्या रेट चल रहा है उस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट का, ठीक है। और यहाँ पर देखिए जो परसेंटेज चेंज लिखा हुआ है ना, तो कितने परसेंट चेंज हुआ, प्लस में या माइनस में, वो अपन को यहाँ पर दिखाता है। बिड क्वांटिटी दिखा रहा है, कितनी क्वांटिटी की बिडिंग चल रही है, बिड रेट किस रेट पर चल रहा है, ऑफर क्वांटिटी कितनी ऑफर की जा रही है, ऑफर रेट आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, ओपन हाई लो प्रीवियस क्लोज, ठीक है, ये सारी डिटेल अपन को एक ही पेज पर देखने के लिए मिल जाती है। मान लीजिए आपको कोई कमोडिटी की कोई स्क्रिप्ट आपको ऐड करनी है तो उसके लिए बहुत सिंपल है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है, ऐड स्क्रिप्ट में जाना है, और यहाँ पर मान लो गोल्ड को आपको ऐड करना है, तो गोल्ड अपन ने टाइप किया, ठीक है, सेम वही आपको यहाँ पर कमोडिटी फ्यूचर पर आपको क्लिक कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर गोल्ड में जाएंगे तो ये MCX गोल्ड आ गया है, इस पर जो भी उसकी एक्सपायरी होगी एक्सपायरी सेलेक्ट करके अपन को ऐड कर लेना है।
तो गोल्ड अपना यहाँ पर ऐड हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ऐड हो चुका है। तो सबसे पहले मैं आपको बाय करना बताता हूँ कि अगर आपको स्टॉक को बाय करना है किसी को तो कैसे बाय करना है। तो बाय करने के लिए क्या करना है आपको, जस्ट सिंपली आप यहाँ पर देख रहे होंगे जो बाय सेल के ऑप्शन लिखे हुए हैं, प्लस का सिंबल बना हुआ है, जो माइनस का सिंबल बना हुआ है। प्लस का सिंबल का मतलब आप बाय करना चाहते हैं, सेल का मतलब आप उसको सेल करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए येस बैंक, येस बैंक को आप बाय करना चाहते हैं तो जस्ट आपको प्लस के सिंबल पर क्लिक करना है। प्लस के सिंबल पर क्लिक करने के बाद इस प्रकार से विंडोज आपके सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ पर देखिए ऑर्डर टाइप आ रहा है, तो ऑर्डर टाइप में नॉर्मल आपको रेगुलर रखना है। और दूसरा जो नीचे आ रहा है स्टॉप लॉस, तो देखो आपको बता दूं मैं कि स्टॉप लॉस का जो मतलब है ना, स्टॉप लॉस ऑर्डर नहीं है कि आप अपना स्टॉप लॉस लगा लेंगे। स्टॉप लॉस ऑर्डर थोड़ा दूसरे प्रकार का होता है, जो कि मैंने एक वीडियो बनाई हुई है ऑर्डर टाइप के बारे में, आया सिक्योरिटीज के चैनल पर आप जाएंगे तो मिल जाएगा, उसमें आप समझिए स्टॉप लॉस ऑर्डर क्या होता है, तो वहाँ पर आपको डिटेल में समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर रेगुलर अपन रखते हैं यहाँ पर। और स्टॉप लॉस जो लगाना है ना, वो अपन को बाद में लगाना होता है, शेयर खरीदने के बाद अपन लगता है टारगेट और स्टॉप लॉस। उसके बाद देखिए स्क्रिप्ट का ऑप्शन आ रहा है, तो स्क्रिप्ट अपनी सिलेक्ट है। यहाँ पर क्वांटिटी सेलेक्ट करना है, कितनी क्वांटिटी खरीदना चाहते हैं। मान लो मैं 10 खरीदना चाहता हूँ, 10 यहाँ पर सेलेक्ट करना है। प्राइस में अगर अपन जीरो डाल देंगे, बहुत बेसिक है, जीरो यहाँ पर डाल देंगे, लिखा भी है नीचे, जीरो डाल देंगे। जीरो का मतलब होगा कि आप मार्केट रेट से खरीदना चाहते हैं तो करंट मार्केट से अपनी पोजीशन एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर अपन जीरो नहीं डालना चाहते, कोई अपना स्पेसिफिक रेट देना चाहते हैं, ठीक है, जैसे 16.95 चल रहा है, अपन चाहते हैं इसको 16.50 से खरीदना, तो यहाँ पर 16.50 डाल देंगे। जब उसका रेट आएगा मार्केट में 16.50, वहाँ से ऑटोमेटिकली अपना वहाँ से बाय हो जाएगा। ट्रिगर प्राइस में क्या करना है, ट्रिगर प्राइस में अपन को सेम करना है, जो प्राइस अपन प्राइस में डालेंगे वही अपन को ट्रिगर प्राइस में यहाँ पर डाल देनी है। डिस्क्लोज क्वांटिटी में, अगर आप नॉर्मल क्वांटिटी कम क्वांटिटी में काम करते तो कोई जरूरत नहीं डिस्क्लोज करने की। हाई क्वांटिटी में काम करते, जैसे लाखों शेयर्स आप एक बार में बाय कर रहे हैं, तो फिर आपको यहाँ पर क्वांटिटी डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ऑटोमेटिकली इंटीमेशन वो दे देगा डिस्क्लोज करने के लिए, तो आप वहाँ पर डाल देना। आपको डालना क्या है, जो क्वांटिटी आप बाय कर रहे हो उसमें से कुछ परसेंट क्वांटिटी आपको वहाँ पर डिस्क्लोज करना पड़ता है, क्योंकि आपको इंडिकेट कर देगा जब आप हाई क्वांटिटी डालेंगे तो। देन उसके बाद ऑर्डर फॉर डिलीवरी में लगाना है कि इंट्राडे में लगाना है कि बीटीडी में लगाना है कि बीएनपीएल में लगाना है, ठीक है, जिसमें भी आपको ट्रेड करना है उसको अपना ऑर्डर टाइप यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। देन वैलिडिटी आपको डे ही रखना है, और आपको नॉर्मली बाय कर देना है। बाय करेंगे तो शेयर आपका बाय हो जाएगा। बाय हो जाने के बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं ये लिखा हुआ है ऑर्डर बुक यहाँ पे नीचे, ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना है। जो आप ऑर्डर आपने लगाया है वो आपको यहाँ पर शो करेगा, तो इस पर क्लिक करने के बाद ऐसा आएगा। अगर आपने ऑर्डर लगाया होगा तो आपको ऑर्डर यहाँ पर दिख जाएगा, आपके लिए एग्जीक्यूट हो गया हो तो आपको एग्जीक्यूट दिख जाएगा, ठीक है, और कैंसिल हुआ होगा या पेंडिंग होगा जो भी होगा उसका स्टेटस आपको यहाँ पर दिखेगा। उसका ऑप्शन आता है ट्रेड बुक का, ठीक है। ट्रेड बुक में क्या होता है कि जो ऑर्डर आपके एग्जीक्यूट हुए हैं, सिर्फ कैंसिल या पेंडिंग ऑर्डर इसमें नहीं आते, जो ट्रेड आपके एग्जीक्यूट हुए हैं, जो ट्रेड आपने किया आज के डेट, वो सारे के सारे ट्रेड आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। उसके बाद आता है नेट पोजीशन, ठीक है। तो नेट पोजीशन में क्या होगा कि नेट पोजीशन में जो भी आपके ट्रेड रनिंग है, मतलब जो भी आपका चल रहा है करंट पीएनएल, वो आपको यहाँ पर दिखेगा। और कोई आपको शेयर आपको सेल करना है तो यहीं से आपका डायरेक्टली सेल हो जाएगा, स्क्वायर ऑफ का ऑप्शन आएगा, वहाँ से आप कर सकते हैं। क्योंकि अभी मार्केट ओपन नहीं है, मार्केट टाइम में वीडियो अभी नहीं बना रहा हूँ मैं, इसलिए यहाँ पर शो नहीं कर रहा, बट हाँ फ्यूचर में वीडियो बनाऊंगा जरूर, मार्केट टाइम में भी बना दूंगा, तो वहाँ पर आपको और भी अच्छे तरीके से बता दूंगा। बाकी अगर आप मोबाइल ऐप के बारे में आपको अच्छा नॉलेज है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, समझ में आ जाएगा। देन उसके बाद आता ऑप्शन मार्जिन का, तो मार्जिन में क्या होता है कि जो भी मार्जिन है आपके अकाउंट पे वो आपको यहाँ पर शो कर जाता है। देन उसके बाद आता होल्डिंग्स का, कोई आपने अगर होल्डिंग लेके रखी हुई है तो होल्डिंग आपको यहाँ पर दिखेगी, ठीक है। और होल्डिंग अगर आपको सेल आउट करनी है तो कैसे करनी है, होल्डिंग जिस भी होल्डिंग को आप सेल आउट करना चाहते हो, देखिए यहाँ पर स्क्वायर ऑफ का ऑप्शन आ रहा है ना यहाँ पे बन के, ये वाला, ऐसे ही सेम टू सेम नेट पोजिशन के अंदर भी आता है। तो जो आपको स्क्वायर ऑफ करना है तो स्क्वायर ऑफ पे क्लिक करना आपको, जिसमें भी आप स्क्वायर ऑफ करना चाहते हैं, जैसे मान लो आपको एनएससी में स्क्वायर ऑफ करना, तो एनएससी पर क्लिक करके आप उसको स्क्वायर ऑफ करेंगे तो सेम सेल का विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगा। वही सेम आपको क्वांटिटी वगैरह डालनी है, यहाँ पर प्राइस आपको डालना, कितने प्राइस पर सेल करना चाहते हैं, या जीरो कर देंगे तो मार्केट प्राइस से आपका सेल हो जाएगा। और बीएससी में सेल करना है तो बीएससी पर क्लिक करके उसको आप सेल कर सकते हैं। अब आपको देखना है इसका पीएनएल, कि आप जो भी होल्डिंग्स आपने बाय करके रखी हुई है ना, उसमें प्रॉफिट चल रहा है आपको या फिर आपको लॉस चल रहा है, वो आपको देखना है। तो कैसे देखेंगे, उसके लिए आपको जस्ट यहाँ पर पोर्टफोलियो पर क्लिक करना है। तो पोर्टफोलियो पर अपन आएंगे तो यहाँ पर आपको लाइव आपका पीएनएल दिख जाएगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर सेक्टर वाइज दिया हुआ है, ग्रुपिंग यहाँ पर सेक्टर वाइज है, सेक्टर देख रहा है पावर सेक्टर है, कौन सेक्टर का स्टॉक लिया हुआ है। यहाँ पर नन कर देंगे तो सारे स्टॉक आपके एक लाइन में जाएंगे और आपको यहाँ पर देखने लगेगा कौन से स्टॉक आपने बाय किए हुए हैं और उसमें क्या आपका पीएनएल प्रॉफिट लॉस बाय वैल्यू क्या है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिख जाएंगी, ठीक है। देन यहाँ पर आता है एसआईपी का ऑप्शन आता है, तो एसआईपी में क्या है, जो भी आपने एसआईपी के ट्रांजेक्शन किए हैं वो उसका डिटेल आपको यहाँ पर दिख जाएगा, ऑर्डर हिस्ट्री वगैरह, ऑर्डर स्टेटस, सब कुछ आप यहाँ पर डेट डाल के अपना सेलेक्ट कर सकते हैं।
देन कन्फर्मेशन, मतलब जो भी ट्रेड का कन्फर्मेशन होता है, जब ट्रेड अपन लगाते हैं ना, तो कन्फर्मेशन से अपन को यहाँ पर आ जाते हैं कि ऑर्डर अपना कैंसिल हुआ, रिजेक्ट हुआ, या फिर अपना ऑर्डर कन्फर्म हो गया, वो सारी चीज़ें अपन को यहाँ पर दिख जाती हैं। देन स्मॉल केसेस आता है, स्मॉल केसेस में पोर्टफोलियो वगैरह डिजाइन होते हैं, ठीक है। सेंसिबल आता है, ऑप्शन के लिए यूज़ होता है बेसिकली सेंसिबल। तो ये सारे फीचर दिए हुए हैं। अब देखिए आईएपीएल सिक्योरिटीज़ का एक बहुत कमाल का फीचर बता रहा हूँ आपके लिए। जैसे मान लीजिए टाटा मोटर है, ठीक है, टाटा मोटर पर मैं पहले क्लिक कर दूंगा एक बार। अब क्लिक करने के बाद अगर किसी स्टॉक के डिटेल्स अपन को निकालनी है, ठीक है, फंडामेंटल टेक्निकल वगैरह निकालनी है, तो उसके लिए क्या होता है, अधिकतर अपन किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर आपको मोबाइल ऐप के अंदर ही आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। यहाँ पर जस्ट आपको स्क्रिप्ट डिटेल पर क्लिक करना है, जो स्क्रिप्ट डिटेल दिया हुआ है ना, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए स्टॉक का प्राइस आ रहा है और जो बेसिक डिटेल्स है वो आपके सामने आ रही है। अब इस स्क्रिप्ट की आपको डिटेल निकाली, फंडामेंटल डिटेल, या फिर आपको इसके बारे में और जानना है, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कंपनी डिटेल्स लिख के आ रहा है। यहाँ पर एक कंपनी डिटेल लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करना है अपने लिए। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर काफ़ी सारा डेटा कंपनी का निकल के अपने सामने आ जाता है, जैसे मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है, ठीक है, पीई रेशियो क्या हो गया, प्राइस टू बुक वैल्यू क्या हो गया है, ठीक है, क्वार्टरली कितना इसका प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है कंपनी को, रेवेन्यू जो है वो आपको यहाँ पर दिख जाता है। देन उसके बाद यहाँ पर देखिए ऑप्शन आता है SWOP स्वॉट का ऑप्शन आता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कंपनी की स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट से सारी चीज़ें आपको दिख जाती है। फाइनेंशियल का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर, तो फाइनेंशियल जो डेटा है कंपनी का वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। और टेक्निकल डेटा हो गया यहाँ पर, ठीक है, शेयर होल्डिंग हो गई है कि किस किस की कितनी कितनी शेयर होल्डिंग है यहाँ पर, तो काफ़ी बेहतरीन तरीके से आपको यहाँ पर डिटेल आपको देखने को मिल जाती है कंपनी की। न्यूज़ आ गया ऑप्शन, न्यूज़ क्या चल रही है शेयर के अंदर, वो आपको यहाँ पर सब कुछ देखने को मिल जाता है। तो कोई शेयर को अगर आप बाय करना चाहते तो बाय करने से पहले ये डेटा देख लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, आप एक ही स्क्रीन पर ये डेटा देख लेंगे और उसके बारे में, ताकि आप थोड़ा सा और अच्छे तरीके से आप कन्फर्म हो जाएं कि मुझे इसको लेना है या फिर नहीं लेना है। और यहीं से बाय और सेल का ऑप्शन आता है, तो यहीं से उसको डायरेक्टली बाय और सेल कर सकते हैं। तो इस तरीके से अपन को ट्रेडिंग करनी है। अब इस ऑप्शन को वापस से यहाँ से अपन मिनिमाइज़ कर देते हैं। अब बताता हूँ आपके लिए बाकी और फीचर जो अपने इंपॉर्टेंट होते हैं, जो अपने काम के होते हैं, ठीक है। जैसे मान लो आपको चार्ट देखना है किसी शेयर का, तो चार्ट देखने, जैसे मान लो टाटा मोटर, इस पर वापस से क्लिक करते अपन, ठीक है। क्लिक करने के बाद स्क्रिप्ट डिटेल पर वापस से क्लिक करना आपके लिए। स्क्रिप्ट डिटेल पर आने के बाद यहाँ पर देखिए ऑप्शन आ रहा है, दो प्रकार के चार्ट आ रहा है अपने सामने, एक आ रहा ग्रोथ चार्टिंग आ रहा है और एक आ रहा एडवांस चार्ट। एडवांस चार्ट पर अपन क्लिक करेंगे अगर, तो इस प्रकार से न्यू विंडो में चार्ट अपने सामने ओपन हो जाता है, ठीक है। देन उसके बाद अपन वापस आते हैं। उसके बाद देखिए एक और ऑप्शन आता है ग्रोथ चार्टिंग का। ग्रोथ चार्टिंग में आपको थोड़ा सा एडवांस तरीके का चार्ट आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें आप काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं। उस पर क्लिक करते हैं। आई थिंक अभी कुछ एरर चल रहा है, इस वजह से अभी ओपन नहीं हो रहा है। बाकी आप इस पर ट्राई करेंगे तो ओपन हो जाता है ग्रोथ चार्टिंग, वो काफ़ी अच्छे तरीके से दिखता है थोड़ा इंटरफेस, तो इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपको ट्रेडिंग व्यू का चार्ट चाहिए, ठीक है। तो ट्रेडिंग व्यू के लिए क्या करना है आपको, यहाँ पर देखिए जो मार्केट का ऑप्शन आ रहा था ना, मार्केट पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। देन यहाँ पर आप आएंगे तो यहाँ पर देखिए एडवांस चार्ट का जो ऑप्शन आ रहा है, एडवांस चार्ट पर आप जाएंगे तो चार्ट IQ और ट्रेडिंग व्यू, तो ट्रेडिंग व्यू पर आपको क्लिक करना है। ट्रेडिंग व्यू का आप चार्ट देखना चाहते हैं तो आपको ट्रेडिंग व्यू का जो चार्ट है वो आपके सामने यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से अपना ट्रेडिंग व्यू का चार्ट आप देख सकते हैं। और मार्केट वॉच पर वापस से क्लिक करेंगे तो मेन जो स्क्रीन है वहाँ पर आप वापस से पहुँच जाएंगे। बस एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आपका इंटरनेट कनेक्शन अच्छा होना चाहिए। अगर आप डेस्कटॉप वर्जन पर काम कर रहे हैं तो आपका इंटरनेट कनेक्शन अच्छा होना चाहिए, ताकि आप फास्ट काम कर सकें, ठीक है। देन यहाँ पर वापस से कुछ और ऑप्शंस आते हैं, तो मार्केट पर क्लिक किया अपन ने, मार्केट पर क्लिक कर मार्केट वॉच का ऑप्शन आ रहा था, जिससे अपन नॉर्मल अभी विंडो पर है वो मार्केट वॉच है। ऑप्शन चेन का ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन चेन का मतलब ये कि ऑप्शन चेन आपके सामने खुल जाएगी पूरी की पूरी, ऑप्शन चेन के द्वारा आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। देखिए एक ऑप्शन आ रहा है ट्रेड मल्टीपल ऑर्डर। अब देखो जैसे मान लो कि आपको ब्रैकेट ऑर्डर लगाना है, ठीक है, मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर तो डायरेक्टली लिखा होता था BO ऑर्डर और CO ऑर्डर, यहाँ पर आप डायरेक्ट नहीं मिलता है। अगर आपको ब्रैकेट ऑर्डर लगाना है, मतलब टारगेट और स्टॉप लॉस के साथ अगर आप ऑर्डर लगाना चाहते हैं, तो आपको ट्रेड मल्टीपल ऑर्डर पर आपको क्लिक करना है। बाय करना चाहते तो आपको बाय पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से इंटरफेस अपने सामने आता है, तो यहाँ पर अपन को स्क्रिप्ट अपनी ऐड करनी, जैसे भी स्क्रिप्ट में अपन स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों एक साथ लगाना चाहते हैं। जैसे मान लो टाटा स्टील में यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ, तो टाटा स्टील यहाँ पर आ गया है, ठीक है। यहाँ पर मुझे किस में करना, कैश, फ्यूचर, ऑप्शन किस में ट्रेड करना, वो यहाँ से अपन अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर नॉर्मली अपन को सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करके प्राइस डालना है, टेलर प्राइस अपन को डालना है यहाँ पर, ठीक है। और देखिए यहाँ पर आ रहा है टारगेट भी पूछ रहा है और यहाँ पर स्टॉप लॉस भी पूछ रहा है। देखिए जो लिखा है ना सेल प्रॉफिट, ठीक है, तो सेल प्रॉफिट में अपन को यहाँ प्राइस में अपन को डाल देना है,
जितने का अपन इसमें प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं, जितने का अपन टारगेट लगाना चाहते हैं। स्टॉप लॉस का ऑप्शन आ रहा है सेल स्टॉप लॉस ऑर्डर, ठीक है, मतलब जितने का अपन स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं वो अपन को यहाँ पर डाल देना है। तो ये जो लिखा है ना ट्रिगर प्राइस स्टॉप लॉस डालने के लिए, और जो सबसे नीचे लिखा है ना सेल प्रॉफिट ऑर्डर, तो यहाँ पर जो जितने का आप टारगेट लगाना चाहते हैं वो आपको प्राइस यहाँ पर डाल देना और बाय करा देना है। तो आपको टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों चीज़ एक साथ लग जाएंगी, ऑर्डर बुक में आपको शो करेंगी। आपको मॉडिफाई करना है तो वहाँ से आप मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। आफ्टर मार्केट ऑर्डर हो गया है, मतलब मार्केट के बाद कोई ऑर्डर लगाना चाहते हो तो आफ्टर मार्केट ऑर्डर हो गया है। और यहाँ पर वही फिर से गो चार्टिंग आ गया, एडवांस चार्ट आ गया, IPO NCD SGB, मतलब IPO लेना आपको, NCD बॉन्ड लेना या सोवरेन गोल्ड बॉन्ड आपको बाय करना, तो यहाँ से आप कर सकते हैं इस पर क्लिक करके। तो देखिए कुछ इस प्रकार से इंटरफेस अपने सामने आ जाता है, तो यहाँ से अपन IPO वगैरह के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देन उसके बाद अपन आते हैं नीचे, स्टॉक SIP का ऑप्शन आ रहा, मतलब स्टॉक में अगर आप SIP करना चाहते हो तो यहाँ से आप कर सकते हैं। ऑफर फॉर सेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई कंपनी अगर ऑफर फॉर सेल निकालती है, मतलब कंपनी ऑफर कर रही है कि आप उसके और शेयर आप खरीद सकते हैं, कोई कंपनी सेल और शेयर सेल करना चाहती है तो ऑफर फॉर सेल में जाएंगे, तो जिस भी कंपनी का ऑफर फॉर सेल होगा ना वो यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ से आप उसको डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। ऑफर टू बाय, उसका देखिए ऑप्शन आ रहा था ऑफर टू बाय। ऑफर टू बाय का मतलब ये होता है कि किसी कंपनी ने बायबैक निकाला है, मतलब कंपनी ऑफर कर रही है शेयर बाय करने के लिए, मतलब कंपनी आपसे अपने शेयर वापस से खरीदना चाहती है तो उसको ऑफर टू बाय बोलते हैं। तो ऑफर टू बाय में आपको बायबैक वगैरह आपको देखने को मिल जाएंगे, बायबैक हो गया, टेक ओवर हो गया है, ठीक है। इसके बाद नीचे ऑप्शन आता है स्पैन कैलकुलेटर, मतलब जो स्पैन मार्जिन होता है फ्यूचर्स वगैरह मिलता है वो आप मार्जिन यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं कि शेयर में आपको कितना मार्जिन मिल रहा है। देन उसके बाद नीचे ऑप्शन आता है सुपर स्टार पोर्टफोलियो का, तो सुपर स्टार पोर्टफोलियो में आप जाएंगे, यहाँ पर जो भी सुपर स्टार्स होते हैं उनके बारे में आपको, उनका जो पोर्टफोलियो है बेसिकली, वो पोर्टफोलियो का आपको थोड़ा सा नॉलेज आपको मिल जाए कि किस शेयर में उन्होंने क्या इन्वेस्ट करके रखा हो, वो चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी इसके अंदर। देन सेकेंड नंबर का ऑप्शन आता है रिपोर्ट का, तो आप अपनी जो रिपोर्ट्स होती है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। ऑर्डर बुक आ रहा तो ऑर्डर बुक में बताई दिया आपके लिए नीचे भी आता ऑर्डर बुक, तो ऑर्डर आपको देखने को मिल जाएगा, ट्रेड बुक आपको देखने को मिल जाएगा, नेट पोजीशन हो गया है, होल्डिंग्स हो गया है, SIP रजिस्ट्रेशन बुक हो गया है, SIP ट्रांजेक्शन बुक हो गया, कन्फर्मेशन हो गया, ऑर्डर का एक्सचेंज मैसेज हो गया, कोई आ रहा एक्सचेंज मैसेज तो वो आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। देन आते अपन माई अकाउंट के ऊपर, तो माय अकाउंट में ये थोड़े से कुछ इंटरेस्टिंग फीचर हैं यहाँ पर जिनको अपन समझ लेते हैं। माय अकाउंट में ऐसे प्रोफाइल पर अपन आते हैं, प्रोफाइल पर जाने के बाद माय डिटेल्स का ऑप्शन आता है, तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो माय डिटेल्स पर जाके आपको कुछ भी अपनी चीज़ें चेंजेस करनी है, जैसे आपको फ़ोन नंबर चेंज करना है या ईमेल आईडी चेंज करनी है या बैंक अकाउंट आपको चेंज करना है या ऑप्शन फीचर आपको सेगमेंट एक्टिवेट करने हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको माय डिटेल्स के अंदर देखने को मिल जाएगी। वहाँ से आप अपने अकाउंट की कुछ भी मॉडिफिकेशन आपको करना है तो वो आप यहाँ से ऑनलाइन कर सकते हैं। देन पोर्टफोलियो का ऑप्शन आता है, तो पोर्टफोलियो 360 डिग्री रिपोर्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं, मतलब आपने पोर्टफोलियो बनाया हुआ है तो उसकी पूरी रिपोर्ट आपको डाउनलोड करनी है तो वो रिपोर्ट आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। देन उसके बाद ऑप्शन आता है लेज़र का, तो लेज़र का काफ़ी कमाल का ऑप्शन होता है यहाँ पर, इसमें क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो यहाँ पर क्या होता है कि आप अपने हिसाब से जितने दिन आपने ट्रेडिंग की है तो ट्रेडिंग की आप डिटेल निकाल सकते हैं, मतलब कहने का मतलब ये कि ट्रेडिंग की डिटेल नहीं, मतलब जो भी आपने ट्रांजेक्शन की है ना उनका लेज़र आपको दिख जाता है एक ही बार, मीन्स एक एंट्री दिख जाती है आपको, पासबुक टाइप से दिख जाता है। तो यहाँ पर आपको अपनी डेट आपको सेलेक्ट करनी है, आपको फिर यहाँ पर प्रोडक्ट को आपको सेलेक्ट करना है, कौन सा प्रोडक्ट के बारे में आप करना चाहते हैं, करेंसी में करना चाहते हैं, इक्विटी में करना चाहते हैं या फिर कमोडिटीज़ में करना चाहते हैं, जो भी आपको सेलेक्ट करना है अपने हिसाब से यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और एक्सचेंज आपको सेलेक्ट कर लेना है यहाँ पर कि किसकी निकालनी है, NSE कैश की निकालनी है या BSE निकालनी है, जो भी एक्सचेंज है आपका वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद शो करेंगे तो एक रिपोर्ट आपके सामने डाउनलोड हो जाती है या ओपन हो जाती है, उस रिपोर्ट में अपनी सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। तो पूरा लेजर आपको दिख जाता है जहाँ पर आपके जो भी चार्ज वगैरह लगते हैं, आपने फंड पे आउट लिया, कितना पे इन किया आपने, ठीक है, कुछ बिल एंट्रीज हैं, बिल एंट्रीज का मतलब होता है वहाँ पर कि जो आपने ट्रेड किए हैं वो आपको दिख जाते हैं वहाँ पर, तो पूरा लेजर आपके सामने आ जाता है। इस लेजर के ऊपर मैं कोई अलग से एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्लाइंट्स के लिए, ठीक है। देन उसके बाद आते अपन माय अकाउंट पर ही, तो माय अकाउंट में देखिए काफ़ी सारे ऑप्शन नीचे आ जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब इसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट क्या है, बिल्स, जैसे डेली बिल्स आपको निकालने, डेली बिल्स में जाएंगे तो डेट सेलेक्ट करके अपने डेली के आप बिल निकाल सकते हैं, ठीक है। डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट नोट का ऑप्शन आ रहा है, डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट नोट में आप क्या कर सकते हैं कि आपको इसी दिन का कॉन्ट्रैक्ट नोट निकालना है, कितनी आपको उस दिन ब्रोकरेज कटी थी, किस दिन आप प्रॉफिट हुआ था, लॉस हुआ था, वो सारी डिटेल आपको यहाँ पर दिख जाएगी उस पर्टिकुलर डेट। देन उसके बाद देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन आता है फंड ट्रांसफर, तो फंड ट्रांसफर पर आप क्लिक करेंगे तो न्यू विंडो एक ओपन होगा, तो यहाँ से आप अपना फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। नेट बैंकिंग के थ्रू करना है तो नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं, UPI के थ्रू करना है तो UPI की अपनी UPI ID यहाँ पर आपको डालनी पड़ती है, जो लिखा ना BPA वर्चुअल पेमेंट एड्रेस, ठीक है, यहाँ पर आपको टाइप करना है, अमाउंट आपको डालना है, कितने अमाउंट आप ऐड करना चाहते हैं,
तो यहाँ से अपना फंड आप ऐड कर सकते हैं। होगा क्या बेसिकली, इसमें वर्चुअल पेमेंट आईडी अगर आप डालेंगे तो आपकी जो यूपीआई आईडी डालेंगे उस जिस एप्लीकेशन की आपने यूपीआई आईडी डाली है उस एप्लीकेशन में नोटिफिकेशन जाएगा उतने अमाउंट का, जितना अमाउंट यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे तो वहाँ से आपको अप्रूव करके उसको पे करना होता है। मान लो फोनपे की डाली, गूगल पे की डाली, जिसकी भी डालेंगे आप वहाँ पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वरना ध्यान आपको विशेष तौर पर यह रखना है कि आपका जो रजिस्टर्ड बैंक है उसी बैंक से आपको फंड ऐड करना है। देन देखिए एक और दूसरा सेक्शन आ रहा है फंड पे आउट का, यहाँ पर तो यहाँ से आपको अगर पे आउट अपना करना है तो यहाँ से अपना अमाउंट डाल के अपना पे आउट आप कर सकते हैं। और हाँ, पेमेंट मोड में देखेंगे दो ऑप्शन आते हैं, एक आता है चेक का और एक आता है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। तो ध्यान रखें हमेशा इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर ही करना है। चेक पे क्लिक कर देंगे तो क्या होगा कि वहाँ से चेक रिलीज हो जाएगा, फिर चेक आप कुरियर होगा आपके घर पर, इसमें काफ़ी लंबा समय लग जाता है। चेक पर कभी नहीं करना है, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर पर क्लिक करना है तो मैक्सिमम 24 घंटे के अंदर फंड आपका ऐड हो जाएगा आपके बैंक अकाउंट के अंदर। देन उसके बाद अपन आते हैं, देखिए और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। देन माय अकाउंट के बगल में देखिए रिसर्च का ऑप्शन आ रहा है, तो रिसर्च में भी काफ़ी सारे टूल्स आपको देखने को यहाँ पर मिल जाते हैं, जिन पर क्लिक करेंगे तो आपको काफ़ी सारी डिटेल्स आपको देखने के लिए मिलेगी यहाँ पर, ठीक है। देन उसके बाद अपन आते हैं म्यूचुअल फंड पर, तो म्यूचुअल फंड पर देखिए लमसम और SIP का ऑप्शन आ रहा है, तो आपको अगर डायरेक्ट म्यूचुअल फंड बाय करना तो क्लिक करके म्यूचुअल फंड बाय कर सकते हैं। SIP का ऑप्शन आ रहा है, SIP करनी तो आप SIP कर सकते हैं, जैसे अपन मोबाइल एप्लीकेशन में करते थे उसी प्रकार से रहेगा, थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। आप उसको ओपन करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे कि जैसे अपन को SIP करनी है या फिर म्यूचुअल फंड करना है। तो यहाँ पर देखिए नोवा API लिख के आ रहा है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जैसा कि म्यूचुअल फंड के बगल में नोवा API लिख के आ रहा है। नोवा API में क्या होता है कि अगर आप एल्गो ट्रेडिंग करना चाहते हैं, एल्गो ट्रेडिंग के लिए API लगता है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको API मिल जाएगा आपके लिए, जिस भी कंपनी से आप टाइप करते हैं तो उसको API दे देंगे, तो यहाँ से एल्गो ट्रेडिंग के थ्रू आपने जो भी अपने फॉर्मूलाज वगैरह वो अपने जनरेट कर सकते हैं और IIFL सिक्योरिटीज को उससे कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है आइडियाज़ का, इसको मैं क्लिक करता हूँ। आइडियाज़ पे आप जाएंगे तो आइडियाज़ में क्या होता है, बेसिकली जो रिकमेंडेशन है ना वो आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएंगे। इक्विटी की रिकमेंडेशन चाहिए आपको, इक्विटी पर क्लिक कर देना है। FNO की चाहिए तो FNO पर क्लिक कर देना आपके लिए। कम्युनिटी की चाहिए तो कम्युनिटी पर क्लिक कर देना। जिस भी सेगमेंट की आपको रिकमेंडेशन चाहिए उस पर क्लिक करके आपको उसकी रिकमेंडेशन मिल जाएगी। यहाँ पर प्रॉपर दिया रहेगा कि क्या आपको बाय करना है। FNO की बात करूँ तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर आप जैसा कि देख पा रहे होंगे लिखा है निफ्टी का लिखा हुआ है कितना 18,800 का कॉल ऑप्शन बाय करने के लिए, ठीक है। 72 रुपीज़ लिखा हुआ है। मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है इंटर वन लॉट, मतलब क्या लिखा है इंटर लॉट बोल रहा है कि मतलब कितने लॉट आप लेना चाहते हैं, डायरेक्टली यहीं से आपका बाय हो जाएगा। मतलब ये बहुत अच्छा है कि आपको देखने रिकमेंडेशन देखने के बाद आपको सर्च करने की जरूरत नहीं, यहीं से आपको डायरेक्टली रिकमेंडेशन को जो भी है ना उसको आप यहीं से बाय सेल कर सकते हैं जो भी रिकमेंडेशन आई है। स्टॉप लॉस दिया हुआ है, टारगेट दिया हुआ है, बाय एड कितने पर आपको बाय करना है, सारी चीज़ें अपन को यहाँ पर दी हुई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और काफ़ी बढ़िया चीज़ है इसकी। तो ऑलमोस्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो मैंने आपके लिए यहाँ पर बता दी हैं। हाँ, थोड़ा सा मैंने और जो फीचर्स हैं ना उनके बारे में डिटेल में नहीं बताया, क्योंकि उनके बारे में अगर एक एक करके बताऊंगा ना तो ऑब्वियसली वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और फिर क्या है कि आप भी बोर होने लगोगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा। तो अलग अलग फीचर्स की एक एक दो दो फीचर्स करके मैं अलग अलग वीडियोस बनाऊंगा अपकमिंग टाइम में, तो आपको वहाँ पर और भी अच्छे तरीके से बता दूंगा एक फीचर, क्योंकि देखो जिस फीचर की आपको जरूरत है जानने की उस फीचर के बारे में पर्टिकुलर उसी के बारे में अगर वीडियो बनाऊंगा तो आपको भी देखने में मज़ा आएगा कि हाँ कि आपका समय भी आपको जितना यूटिलाइज करना वो आपको मजा आएगा। मान लो इसी वीडियो में अगर सारी चीज़ें मैं बता दूंगा एक करके सारे फीचर्स के बारे में, अब मान लो आपको म्यूचुअल फंड के बारे में देखना है तो क्या करो वीडियो को बार बार स्किप करोगे कि म्यूचुअल फंड का किस टाइम स्लैब में बताया हुआ है, किस टाइम पॉइंट पर म्यूचुअल फंड के बारे में बताया हुआ है, या फिर रिफर अर्न के बारे में या आइडियाज़ के बारे में किस समय पर मैंने बताया हुआ है, वो क्या करोगे आप बार बार उसको स्किप करेंगे। तो वो मैं नहीं चाहता हूँ कि बार बार उसको स्किप करो, इसलिए मैंने एक ओवरव्यू आपको दिया हुआ है केवल कि ओवरव्यू दिया कि कैसे आपको करना है सारी चीज़ें। तो चलिए फिर आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, मैं बेहतर समझा पाऊंगा, मेरी एक छोटी सी कोशिश थी आपको बढ़िया बताने के लिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए, और हाँ चैनल पर अगर पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाकी मिलते हैं अपन किसी और नेक्स्ट वीडियो में, इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।